एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोहित अरोड़ा एंड टुडे वी आर डिस्कस नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु हैं उसके बारे में अपने रेफरेंस के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले अलग अलग जीवाणु हैं। पहला जीवाणु जो अपना आता है वो आता है राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम आएगा। राइजोबियम मैंने बताया था कि किसके अंदर यूज़ किया जाता है, जो राइजोबियम है वो दलहनी फसलों में, दलहनी फसलें, दाल वाली फसलें, या दूसरी तरफ में ये मूंग की लेग्यूमिनेसी फसलें। ठीक है, जैसे आपका बरसीम, रिजका और मूंग, गवार, लोबिया, इन सब के अंदर, दलहनी फसलों के अंदर राइजोबियम की प्रजाति का यूज़ किया जाएगा। अब राइजोबियम की भी अलग अलग प्रजातियाँ हैं स्टूडेंट्स। जैसे राइजोबियम मेलालोटी है, राइजोबियम मेलालोटी किस में यूज़ होती है? राइजोबियम मेलालोटी सिर्फ और सिर्फ मेथी, रिजका और सेंजी, तीन के अंदर यूज़ होगा। मेथी, रिजका और सेंजी के अंदर यूज़ होता है राइजोबियम मेलालोटी। ठीक है, राइजोबियम लेग्यूमिनोसिरम की बात करूँ तो यह कुछ दाल वाली फसलों में यूज़ होता है। ठीक है, राइजोबियम फेलेजियोली है, ट्राइफोला या जैपोनिकम, इनके नाम प्रजातियों के और इनमें कौन कौन सी फसलों के अंदर यूज़ होता है ये। ठीक है, किताब के अंदर लिखा हुआ सारणी में, उसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो जैपोनिकम है, जैसे सोयाबीन के अंदर यूज़ होता है, तो ये सारे आपको याद रखनी है, ये प्रजातियाँ याद रखनी है, और ये कौन कौन सी फसलों में यूज़ की जाती हैं उनको भी तुम्हें याद रखना है। ठीक है, तो अगर राइजोबियम की इन प्रजाति से फसलों के बीजों को या फिर आपकी मृदा को, पौधों को किसी तरह से उपचारित कर लें तो नाइट्रोजन की बचत हो जाएगी, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होगा और नाइट्रोजन की बचत होगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है अपना एजोटोबैक्टर। नंबर दो है एजोटोबैक्टर, ये भी एक तरह का जीवाणु है लेकिन ये ग्राम नेगेटिव जीवाणु स्टूडेंट पॉजिटिव है। ठीक है, ग्राम नेगेटिव जीवाणु है। नेगेटिव का मतलब ये नहीं है लाभदायक नहीं है, लाभदायक है, लेकिन ये क्या है, सिम्बायोटिक नहीं है। सिम्बायोटिक का मतलब ये तो राइजोबियम कल्चर क्या करता था, पौधे की जड़ों में, मैंने कल बताया था, पौधे की जड़ों में गांठें बनाता है और उन गांठों के अंदर नाइट्रोजन भरता है और फिर पौधों को प्रोवाइड करा देता है। ठीक है, ये राइजोबियम का काम करता है, राइजोबियम ये काम करता था। लेकिन एजोटोबैक्टर का काम करता है, एजोटोबैक्टर जड़ों में गांठें नहीं बनाता है, एजोटोबैक्टर जड़ों में गांठें नहीं बनाएगा। ठीक है, और इसे आप एदलहनी फसलों के अंदर यूज करते हैं। तो एजोटोबैक्टर क्या करता है, मृदा के अंदर रहता है, नाइट्रोजन का वायुमंडल से नाइट्रोजन लेके नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ठीक है, मान लो ये प्लांट है, ठीक है, और ये बैक्टीरिया है आपका एजोटोबैक्टर। ठीक है, तो ये क्या है, एयर से नाइट्रोजन लेगा, इकट्ठी करेगा और जब ये मर जाएगा तो प्लांट की जड़ें क्या है, इसका प्रयोग कर लेंगे इसका। ठीक है, जब ये मर जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं जीवित होगा जब तक ये नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करेगा लेकिन पौधे को नहीं देगा, लेकिन जब ये मर जाएगा तो इसकी नाइट्रोजन पौधे को मिल जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये एदलहनी फसलों के अंदर यूज होता है। एदलहनी फसलें कौन कौन सी हैं, गेहूँ है, जो है, मक्का है, ये एदलहनी फसलें हैं। ठीक है, और इनका क्या होता है यूज, एदलहनी फसलें इनके अंदर एजोटोबैक्टर का हम यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट आते हैं अपना तीसरा, नंबर थ्री, एजोसिप्रिलम। एजोसिप्रिलम आता है, एजोसिप्रिलम भी क्या है, एक जीवाणु है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है। इसका यूज हम किस में करते हैं, गन्ना के अंदर, बाजरा के अंदर, ज्वार के अंदर इसका यूज किया जाता है। ठीक है, गन्ना, बाजरा, ज्वार बोने से पहले आप बीजों को उपचारित कर लें, उपचारित करके आप बो दें। ठीक है, और इससे क्या होगा, आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट बात करें अपने, नेक्स्ट आ जाता है आपके इसके प्रयोग की विधि। ठीक है, सभी जो ये नाइट्रोजन के जो स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु हैं इनके प्रयोग की विधि क्या क्या है, तो अलग अलग इनकी प्रयोग विधि है, वन बाय वन अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला आ जाता है बीज उपचार। ठीक है, बीज उपचार, तो अपने बीज उपचार की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बीज उपचार के अंदर जैसे राइजोबियम का अपने यूज़ करते हैं। ठीक है, राइजोबियम का यूज़ करते हैं या फिर और कोई भी अपने किसी का भी जीवाणु का यूज़ कर सकते हैं। तो बीज उपचार कैसे करेंगे, 10 से 12 किलोग्राम जिस फसल में अपने को बीज उपचार करना है, 10 से 12 किलोग्राम बीज लेंगे एक पैकेट कल्चर का। ये कौन सा, जीवाणुओं का कल्चर आता है, 200 ग्राम का इसका एक पैकेट आता है, जीवाणु कल्चर का 200 ग्राम का एक पैकेट आता है। ठीक है,
तो ये जो 200 ग्राम का एक पैकेट है इसका आपने यूज करेंगे, किसके अंदर यूज करेंगे तब? बीज उपचार के अंदर यूज करेंगे, ठीक है। तो 200 ग्राम का एक पैकेट 10 से 12 किलोग्राम बीज के लिए है, जरूरी है, ठीक है। अगर आपके 20 किलोग्राम बीज है तो दो पैकेट ले लो, 30 किलोग्राम है तो तीन पैकेट ले लो, ठीक है। तो 10 से 12 किलोग्राम बीजों के लिए 200 ग्राम एक पैकेट चाहिए। इसके लिए अपने को आधा लीटर पहले पानी लेना है, आधा लीटर पानी लेके उसमें 50 ग्राम गुड़ को घोल लेना है। आधा लीटर पानी लिया, उसमें 50 ग्राम गुड़ घोल लिया और इसमें फिर घोल बन गया। इस घोल में क्या 200 ग्राम कल्चर वाला पैकेट डाल देना, इसी घोल के अंदर 200 ग्राम कल्चर का पैकेट डाल दिया। अब इस घोल को आप बीजों के ऊपर डाल दो, ठीक है। बीजों के ऊपर डाल दोगे तो होगा क्या, बीजों के ऊपर क्या एक परत बन जाएगी बैक्टीरिया की, और फिर इसको क्या करना है, इनको छाया के अंदर सुखाना, धूप में इसको नहीं सुखाना स्टूडेंट, नहीं तो जीवाणु के मरने का खतरा रहता है ज़्यादा टेम्परेचर के कारण। तो धूप में नहीं सुखाना, छाया में सुखा करके सुखाने के बाद इसको बुआई कर दो खेत में, बस इतना सा काम है। सेकेंड आ जाता है अपना पौध या जड़ उपचार, ठीक है। पौध मतलब नर्सरी से जो पौध लाते हैं या जड़ उपचार करते हैं, ठीक है। तो टमाटर गोभी प्याज इनके पौधों को उपचारित करने की विधि है ये। उपचारित कैसे करते हैं, 4 किलोग्राम कल्चर देते हैं, ठीक है। 4 किलोग्राम कल्चर लेंगे, 20-25 लीटर पानी में उसे घोल लेंगे, ठीक है। 4 किलोग्राम कल्चर को 20-25 लीटर पानी में घोल लिया और फिर इनके जो टमाटर के पौधे हैं, गोभी के या प्याज किसी के भी पौधे हैं, उनको 20 से 25 मिनट तक हम डुबा के रखेंगे। 20 से 25 मिनट तक जब हम डुबा के रख लेते हैं, उसके बाद उनको निकाल कर छाया में सुखा कर मुख्य खेत में बीज दो, ये इतना काम है। तीसरी विधि है स्टूडेंट मृदा प्रयोग विधि, कि मृदा के अंदर प्रयोग करना। अब मृदा के अंदर कैसे प्रयोग करेंगे, तो मृदा के अंदर अपने जनरली एजोटोवेक्टर का प्रयोग कर सकते हैं, एजोसिट्रिलम का प्रयोग कर सकते हैं, PSG फास्फोरस सोलूबल बैक्टीरिया, ठीक है, जिसको फास्फोरस गोलक जीवाणु इसका प्रयोग कर सकते हैं, राइजोबियम का भी अपने प्रयोग कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यूज़ कैसे करना है, अब यूज़ करने के लिए या तो आप 50 किलोग्राम मिट्टी ले लो, या तो 50 किलोग्राम मिट्टी ले लो, मिट्टी नहीं तो फिर 5 किलोग्राम कंपोस्ट ले लो, ठीक है। 50 किलोग्राम मिट्टी या 5 किलोग्राम कंपोस्ट ले लो और बुआई के समय क्या है, बुआई के समय कल्चर को इसके अंदर मिक्सअप करके पूरे खेत के अंदर बिखेर के दे दो, सिंपल, ठीक है। पूरे खेत में इसको बिखेर कर दे दो और फिर आप बुआई कर दो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका कंद कल्चर। कंद कल्चर की अपने बात करेंगे, कंद का मतलब समझते हो, आलू कंद वाली फसल है, प्याज कंद वाली फसल है, ठीक है। तो आलू को जैसे कंद वाली फसल है तो कैसे करेंगे, 1 किलोग्राम कल्चर लेंगे, ले लिया 1 किलोग्राम कल्चर को 40 से 50 लीटर पानी में घोल लेंगे। 40 से 50 लीटर पानी में 1 किलोग्राम कल्चर घोल लिया और फिर उसमें आलू लहसुन डाल करके उस पर परत बना देनी है और फिर क्या करना है, परत बना कर उसकी बुआई कर देनी, सिंपल सा काम। फिर उसके बाद आ जाता है आपका नील हरित शैवाल, जिसको बोलते हैं BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो इसकी इसको कैसे प्रयोग करेंगे अपने, इसकी 25 से 30 किलोग्राम, देखो ये जो काम करता है नील हरित शैवाल, 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर का यौगिकीकरण करता है। देखो यौगिकीकरण का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। तो जो नील हरित शैवाल है, ये एक शैवाल है, मैं पहले बता देता हूँ ये क्या है, शैवाल है, साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं इसको, साइनोबैक्टीरिया या शैवाल है ये, ठीक है। 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर का स्थिरीकरण करता है और इसकी दो प्रजातियाँ सबसे ज़्यादा यूज होती हैं, वैसे तो इसकी काफ़ी प्रजातियाँ लेकिन इंडिया में दो प्रजातियाँ यूज होती हैं और यही दो प्रजातियाँ काम की हैं। कौन कौन सी, एक तो है एनाबीना और दूसरी है नॉन स्टॉक। एनाबीना और नॉन स्टॉक ये दो प्रजातियाँ हैं जो नील हरित शैवाल की अपने भारत में यूज की जाती है, ठीक है। उसके बाद है इसके नील हरित शैवाल के तैयार करने की विधि है, प्रयोग करने की विधि या तैयार करने की विधि है, तो वो विधि भी अपने डिस्कस करेंगे। वैसे तो वो विधि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बाद जो नील हरित शैवाल के बाद मेनली अजोला बचता है, अजोला को अपने डिस्कस करना जरूरी है, तो उसकी विधि वो अपने देख लेंगे। अगर करवाने वाला हुआ तो वो मैं आपको कल करवा दूंगा, ठीक है। आज मैंने जो नाइट्रोजन वाले बैक्टीरिया थे कौन कौन है वो बता दिए, उनके प्रयोग करने की सारी विधियां बता दी हैं, ठीक है। इनके उत्पादन की विधियां मैं देखूंगा अभी सिलेबस में, तो उत्पादन की विधियां करवाने वाली तो वो भी कल करवा दूँगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज का ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है।
कल अपने नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू एवरीवन, स्टे होम, स्टे सेफ।